हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं वन ट्यूशन। तो आज हम क्लास 11th ईवीएस बुक से सेकंड चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। किसी किसी बुक में ये इकोलॉजी के चैप्टर से भी जाना जाता है। इस चैप्टर को बहुत ही शॉर्ट सिंपल तरीके से आपको समझा दूंगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक में फॉलो करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, लेकिन वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए फटाफट इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं वर्ड इकोलॉजी का मतलब क्या है। तो इकोलॉजी का वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से आया है, आइकोस से आया है। इसका मतलब होता है होम और लॉगस का मतलब होता है स्टडी। तो इकोलॉजी जो डील करता है विद स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन देयर नेचुरल होम इंटरेक्टिंग देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट। तो इकोलॉजी जो है वो स्टडी है एक तरीके से इंटरकनेक्शन, इंटरडिपेंडेंस प्लांट्स एनिमल्स और उनके एनवायरनमेंट के बीच में। तो इसके बीच में तुम्हारा आ सकता है प्लांट्स एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और भी उसके एनवायरनमेंट्स वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये बताई गई है। उसके बाद देख लेते हैं कि ऑर्गेनिजम्स क्या है। तो ऑर्गेनिज्म इज एन फॉर्म ऑफ लाइफ, कोई भी फॉर्म ऑफ लाइफ हो सकता है। अर्थ पे बहुत सारे वेराइटीज़ है ना, करोड़ों मिलियंस ऑफ वेराइटीज़ है अर्थ पे ऑर्गेनिजम्स के। तो वो सिंगल सेल एमोबिया से लेके, कुछ लोग एमीबा भी कहते हैं, एमीबा से लेके ह्यूज शार्क तक या फिर ह्यूज एलिफेंट तक हो सकता है। एक माइक्रोस्कोपिक ब्लू ग्रीन एल्गी से लेके बहुत बड़े बनियन ट्री तक भी ये हो सकता है। सो उसके बाद देख लेते हैं कि स्पीसीज क्या है। तो स्पीसीज जो है एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एक जैसे रिजेंबल्स, मतलब दिखने में एक जैसे अपेयरेंस होता है, इनका बिहेवियर एक जैसा होता है, केमिस्ट्री और जेनेटिक स्ट्रक्चर भी एक जैसे होते हैं, उसे हम स्पीसीज कहते हैं। जैसे कि ह्यूमन का स्पीसीज आपको पता ही होगा कि ह्यूमन होमो सेपियन कहलाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे, देखिए हमारे बॉडी स्ट्रक्चर जो ना वो सेम होते हैं, हमारे सिस्टम सेम होते हैं, हम एक जैसे जेनेटिक स्ट्रक्चर से बने हुए हैं, इसीलिए हमारा जो नाम रखा गया, हमारा जो स्पीसीज का नाम रखा गया वो है सेपियन, है ना, ये सेपियन आप देख रहे होंगे। उसके बाद देखते हैं पॉपुलेशन के बारे में। तो पॉपुलेशन क्या है? तो पॉपुलेशन एक पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज, मतलब एक ही तरीके के स्पीसीज जो कि रहते हैं एक ही एरिया में गिवन टाइम के द्वारा, यानी कि एक ही टाइम में। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है राइनोसोरस का, जो कि काजीरंगा पार्क नेशनल पार्क में असम में पाया जाता है। उसी तरीके से कम्युनिटीज़ को देख लेते हैं कि कम्युनिटीज़ क्या है। तो बहुत अलग अलग तरीके के पॉपुलेशन जो कि एक ही जगह पे रहते हैं एक ही टाइम और आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उसे हम लोग कम्युनिटीज़ कहते हैं। जैसे कि वही काजीरंगा नेशनल पार्क का एग्जांपल ले लो, है ना, काजीरंगा नेशनल पार्क का एग्जांपल ले लो, तो उसमें राइनोसोरस हो गया, है ना, राइनो हो गया, फिर जाके एलिफेंट हो गया, कैटल्स हो गया, ग्रास हो गया, सब एक साथ रहते हैं, तो इसे हम लोग कम्युनिटीज़ कहते हैं। उसके बाद इकोसिस्टम देख लेते हैं कि इकोसिस्टम क्या है। तो इकोसिस्टम एक तरीके का इकोसिस्टम एक कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जो कि इन्वॉल्व करता है डायनेमिक नेटवर्क में ऑफ बायोलॉजिकल, हो सकता है केमिकल, हो सकता है फिजिकल इंट्रैक्शन, हो सकता है आपस में लिविंग या फिर नॉन लिविंग के बीच में, ठीक है। अच्छा, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के बारे में यहाँ पर बताई गई है। उसके बाद देखते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कितने तरीके के हो सकते हैं? तो इकोसिस्टम जो है ना वो दो तरीके का हो सकता है, एक तो हो सकता है नेचुरल और दूसरा हो सकता है आर्टिफिशियल या मैनमेड। तो नेचुरल इकोसिस्टम भी दो अलग अलग भागों में बांटा गया है, एक तो हो गया टेरेस्ट्रियल, दूसरा हो गया एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड से रिलेटेड है, जो जहाँ की फॉरेस्ट हो सकता है इकोसिस्टम, ग्रासलैंड हो सकता है इकोसिस्टम, डेजर्ट्स हो सकता है इकोसिस्टम। और दूसरा जो है हमारा एक्वाटिक। तो एक्वाटिक जो है वो वाटर से रिलेट करता है, तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम पकड़ लो, मैरीन इकोसिस्टम पकड़ लो, जहाँ पे कि रिवर पॉन्ड लेक्स ये सब सारे होते हैं, ठीक है। और हमारा जो मैनमेड, जो दूसरा हो गया मैनमेड यानी कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोगों ने खुद बनाया है, इंसानों ने बनाया है, जैसे कि फिशरी हो गया, आप पार्क पकड़ लो, स्विमिंग पूल पकड़ लो, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्विमिंग पूल तो नहीं है एक्चुअली में, वो गार्डन पकड़ सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा डिटेल में देख लेता हूँ कि क्या कहते हैं इसे, नेचुरल इकोसिस्टम ना यहाँ पे ये एक्चुअली में नेचर में फाउंड होता है, और यहाँ पे ह्यूमन इंट्रैक्शन जो है ना वो बिल्कुल ही नहीं होता है, देर इज़ नो इंट्रैक्शन विथ ह्यूमन्स, मतलब यहाँ पे ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, यानी कि ये नेचुरली पाया जाता है, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट्स हो गया, है ना, और जंगल्स हो गया, कुछ भी हो सकता है, ये सब जो कि नेचुरली एग्जिस्ट करता है, हिल्स हो गया, माउंटेन्स हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के बारे में, तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो ह्यूमन द्वारा बनाया गया, जैसे कि पॉन्ड हो सकता है, पार्क हो सकता है, ये सब क्या, ये सब हम खुद बनाते हैं, या फिर खेती बाड़ी एग्रीकल्चर हो गया, तो इसे हम खुद बनाते हैं, ठीक है, तो इसे हम लोग आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं। अच्छा,
उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम के बारे में। तो स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम को समझने के लिए हमें बायोटिक स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। तो बायोटिक स्ट्रक्चर में हमारा दो पार्ट पाया जाता है, है ना, दो पार्ट पाया जाता है। बायोटिक मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बायोटिक सिस्टम में रहते हैं, ठीक है। तो ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स के बारे में जानना है। तो ऑटोट्रॉप तो हमें पता ही है कि ऑटोट्रॉप क्या कहता है। ऑटोट्रॉप जो है उन्हें प्रोड्यूसर के नाम से भी जाना जाता है और वो अपना खाना खुद बना पाते हैं। ये ज़्यादातर प्लांट्स होते हैं। ये खाना कैसे बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इन्हें तो हवा से मिल जाता है, वाटर भी इन्हें मिल जाता है सॉइल से, और सनलाइट जो मिल जाता है सन से, क्लोरोफिल और ग्रीन पिगमेंट तो इनके लीव्स में ही होते हैं, और इनके हेल्प से ये विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, उस प्रोसेस से ये लोग खाना बना लेते हैं। रहेगी दूसरी बात हेटरोट्रॉपिक्स। तो हेटरोट्रॉपिक्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, तो ये स्पेशली जो होते हैं वो एनिमल्स होते हैं। तो एनिमल्स इनको भी दो अलग अलग भागों में बांट दिया गया है ना, इन्हें कंज्यूमर्स कहा गया है ज़्यादातर। तो कंज्यूमर को दो अलग अलग भागों में बांट दिया गया, एक तो हो गया मैक्रो और दूसरा हो गया माइक्रो। तो मैक्रो भी अलग अलग चार भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो मैक्रो को एक्चुअली में कहते क्या है मैक्रो को, तो एनिमल डेट कंज्यूम्स द प्रोड्यूसर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो उसमें से सबसे पहला जो है हर्बीवोरस है। तो हर्बीवोरस किसे कहते हैं, एनिमल्स डेट डायरेक्टली कंज्यूम प्रोड्यूसर, जो कि डायरेक्टली कंज्यूम करता है प्रोड्यूसर को, उसे हम लोग हर्बीवोरस कहते हैं। जैसे कि काऊ हो गया, डियर हो गया, गॉट हो गया। फिर आते हैं कार्निवोरस पे। तो कार्निवोरस किसे कहते हैं, जो दे फीड क्या होते हैं अदर कंज्यूमर, तो अदर कंज्यूमर को फीड करते हैं या फिर खाते हैं, फीड ऑन, है ना। तो इसका कुछ एग्जांपल मैं बता दूं, जैसे कि फ्रॉग हो गया, है ना, फ्रॉग हो गया, स्नेक हो गया, बिग फिश हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। जैसे कि एनिमल्स में तुम्हारा लायन, टाइगर, कुछ भी पकड़ लो, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा ओमनीवोरस। तो ओमनीवोरस किसे कहते हैं, ओमनीवोरस जो दोनों ही खाता है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही खाता है, उसे हम लोग ओमनीवोरस कहते हैं। जैसे कि मैन हो गया, फॉक्स हो गया, रैट हो गया, तो ये सब सारे ओमनीवोरस है। और लास्ट और आखिरी हो गया हमारा डिट्रीवरस, यानी कि यहाँ पे ये लोग जो है ना मरे सरे गले पे टिकते हैं, इससे हम लोग बिटल्स, एंट, अर्थवर्म, इस पे ज़्यादातर ध्यान दे सकते हैं। ये सब सारा एग्जांपल है जो कि पार्शली डिकम्पोज मैटर्स होता है ना उन पे फीड करते हैं, या फिर वेस्ट मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, तो ये सब के बारे में हमें पता चलेगा। फिर आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, माइक्रो कंज्यूमर्स के बारे में। तो माइक्रो कंज्यूमर्स वो कंज्यूमर्स हैं जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, जिन हम देख भी नहीं पाते ना, एग्जांपल के बैक्टीरिया, फंगस, तो ये सब सारे हमारे माइक्रो कंज्यूमर्स हैं। तो ये भी ज़्यादातर जो है ना डेड या फिर डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे ही डिपेंड रहते हैं, उन्हीं खाते हैं, कंज्यूम करते हैं। उसके बाद आ गया हमारा एबायोटिक स्ट्रक्चर। तो एबायोटिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए समझना जरूरी है कि ये फिजिकल या फिर केमिकल कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम जो कि एबायोटिक स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है। जिसमें से कि फिजिकल, जो फिजिकल फैक्टर्स हो गया वो सनलाइट, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, एवरेज टेम्परेचर, रेनफॉल, है ना, पैटर्न, विंड वेलोसिटी, तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि ये फिजिकल फैक्टर्स है। और केमिकल फैक्टर्स या फिर केमिकल कंपोनेंट्स किसे हम लोग कह सकते हैं, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, पोटेशियम, तो ये सारे को हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं कि फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का फंक्शन क्या है, तो इकोसिस्टम का सबसे बड़ा फंक्शन है, इट रिसीव्स एनर्जी फ्रॉम सन एंड पासेस इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स एट डिफरेंट लेवल। यानी कि ये एनर्जी सन से लेता है और फिर एक ऑर्गेनिज्म को पास करता है, वो ऑर्गेनिज्म दूसरे को, दूसरे तीसरे को, इस तरीके से पास करता है। तो इसको हम लोग समझेंगे, फूड चेन, फूड वेब, ट्रॉपिक लेवल और एनर्जी फ्लो के द्वारा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए उसी कड़ी में सबसे पहले हम लोग समझते हैं फूड चेन के बारे में। तो फूड चेन क्या है, जैसे कि एक दो एग्जांपल यहाँ पे मैंने दे रखी है, जैसे कि घास हो गया। तो घास को कौन खाता है, कैटल्स खाता है। कैटल को कौन खाता है, टाइगर। तो ये एक तरीके का चेन बन गया, इस चेन को हम लोग फूड चेन कहते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, ग्रास हो गया, ग्रास को कौन खाएगा, ग्रासोपर। ग्रासोपर को कौन, बर्ड खाता है। बर्ड को कौन खाता है, हॉक खाता है। तो ये भी क्या बन गया, एक चेन बन गया। तो ये पॉन्ड में, फिश, ओशंस में भी हो सकते हैं, तो इसे हम लोग फूड चेन कहते हैं। अच्छा, फूड वेब किसे कहते हैं, तो फूड वेब जो होता है ना, बहुत सारे फूड चेन को अगर एक साथ मिला दो तो उसे हम लोग फूड वेब कहते हैं, है ना। एग्जांपल जैसे कि प्लांट को गॉट भी खाएगा, है ना, प्रोड्यूसर को माउस भी खाएगा, रैबिट भी खाएगा। और इस रैबिट को कौन कौन खा सकता है, देखो ये वाइल्ड कैट भी खा सकता है, है ना, जैकल भी खा सकता है, और ये ईगल या फिर वल्चर भी खा सकता है। उसी तरीके से मतलब यहाँ पे बहुत सारे फूड चेन जुड़े हुए हैं, तो इसको हम लोग फूड वेब के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद आके देखते हैं कि ट्रॉपिक लेवल। तो ट्रॉपिक लेवल में क्या होता है, ट्रॉपिक लेवल में अलग अलग कैटेगरीज बांट दी गई, जो कंज्यूमर्स है, प्रोड्यूसर्स है ना, सबको अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। तो सबसे पहले भाग में क्या बताया गया है, सबसे फर्स्ट स्टेज में, फर्स्ट टॉपिक लेवल, ये है हमारा फर्स्ट टॉपिक लेवल। इसे हम लोग प्राइमरी या फिर प्रोड्यूसर भी कह सकते हैं, जो कि हेल्प द फोटोसिंथेसिस द्वारा
खाना बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो हमारा ट्रॉपिक लेवल है, दूसरा ट्रॉपिक लेवल है हमारा हार्बीबोरस। जो हार्बीबोरस एनिमल्स होते हैं उसे हम लोग कहते हैं सेकेंड लेवल या फिर सेकेंड ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। उसके बाद आ गया हमारा सेकेंडरी आ जाता है जो कि कार्निवरस कंज्यूमर्स होता है। फिर उसके बाद हो जाता है लास्ट लेवल जो टॉप कार्निवरस हो जाता है या फिर टर्शरी कंज्यूमर भी कहते हैं। तो इस भागों में जो इस तरीके से जो बांटा गया है उसे हम लोग ट्रॉपिक लेवल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में देखेंगे। अच्छा, ये एक और एक ज़रूरी चीज़ देख लेते हैं कि एनर्जी फ्लो कैसे करता है ना। तो एनर्जी फ्लो को देखने के लिए ध्यान से इसको समझिएगा। इससे हम लोग 10% लॉ के द्वारा भी हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये सबसे पहला ग्रुप है प्रोड्यूसर, ठीक है। तो ये मान लो कि 1000 किलो कैलोरीज प्रोड्यूस कर रहा है। अब इसे जो कंज्यूम करेगा ना, ये इसका 10% कंज्यूम करेगा, यानी कि 1000 का 10% कंज्यूम करेगा। और 1000 का 10% होता है 100, ठीक है। तो ये प्राइमरी कंज्यूमर को मिला एनर्जी। अब इसे जो खाएगा इसका 10% उसे मिलेगा, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर को खाता है सेकेंडरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाएगा उसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, और वो 100 का 10% क्या हो जाएगा, फिर से 10 किलो कैलोरी। अब फिर सेकेंडरी को कौन खाएगा, सेकेंडरी को टर्शरी खाएगा। तो फिर ये 10% कितना हो जाएगा, 1 किलो कैलोरी। तो ये जो है ना 10% 10% 10%, यानी कि यहाँ से 10%, यानी कि यहाँ से 10%, फिर यहाँ से 10%, यहाँ से 10%, ये पास आउट होते रहता है। और इसे हम लोग 10% लॉ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। 10% लॉ एनर्जी फ्लो इसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देख लेते हैं, इसे हम लोग कहते हैं तुम्हारा पैरामिड नंबर्स भी हम लोग कह सकते हैं। और लास्ट टॉपिक जो है हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन आपको यहाँ से मैं डायग्राम से समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, एकदम बीहर बंजर होगा, कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। और धीरे धीरे अगर टाइम पीरियड देख लो, अगर मान लो कि 50 से 100 साल के बाद अगर देखोगे तो यही जगह जो है ना, ये कन्वर्ट होके क्या बन चुका है, एक बहुत हरा भरा जगह बन चुका है। ये देख रहे हो आप, इसी सक्सेशन को हम लोग कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड बहुत लंबा टाइम पीरियड लगता है। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है वो दो तरीके के हो सकते हैं, जिसमें से कि सबसे पहला जो इकोलॉजिकल सक्सेशन होगा वो प्राइमरी कहलाएगा। तो प्राइमरी किसे कहते हैं, ये एक तरीके का प्रोसेस है ना जो ऑकर करता है जहाँ पे पहले कुछ नहीं होता है, मतलब कोई सॉइल भी अच्छी तरीके से नहीं है, पूरा बीहर बंजर है, लेकिन धीरे धीरे करते करते जो है ना वो एक जगह हरा भरा जगह बन जाता है, उसे हम लोग प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे पहले कुछ नहीं था, ये बाद में धीरे धीरे, लेकिन बहुत लंबा टाइम पीरियड लगता है इसको होने बनने में। सेकंड जो है हमारा सेकेंडरी सक्सेशन। तो सेकेंडरी सक्सेशन में क्या, ये एक तरीके का सीरीज ऑफ चेंज है जो कि ऑकर करता है कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से। अगर मान लो कि एक कोई फॉरेस्ट है, वहाँ पे आग लग जाता है, तो वो फॉरेस्ट क्या होता है, पूरा बंजर हो जाता है, बीहर हो जाता है। और अगर मान लो कि बहुत बहुत ज़ोर से भूकंप आया या फिर स्नोफॉल हो गया, पूरा जगह ढह गया या फिर ढक गया बर्फ़ से और पूरा तहस नहस हो गया, तो जहाँ पे कभी एक समय में प्राइमरी सक्सेशन हुआ करता था, आज जो है ना वो सेकेंडरी सक्सेशन हो गया, यानी कि वहाँ पूरा बर्बाद हो गया। तो यही है इस चैप्टर में, आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, पसंद आने के साथ साथ समझ में भी आया होगा। तो अगर कोई भी डाउट रह जाए, कोई भी दिक्कत रह जाए ना, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप आने वाली वीडियोस को भी देख सकते हैं। कोई भी डाउट रह जाए, दिक्कत रह जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे फॉलो करके आप मुझसे पर्सनली बात भी कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। ऐसे ही वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। हम जल्द ही हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।